जब मूसा की मृत्यु हुई तो क्यों उसका शव उसका शरीर नहीं मिला। मूसा की कहानी की शुरुआत हमें देखने को मिलती है निर्गमन यानी एक्सोडस की किताब में। निर्गमन की किताब में तकरीबन 2 मिलियन गुलाम लोग एक बहुत ही बड़े शक्तिशाली और प्रभावशाली देश से आज़ाद होकर बाहर निकलते हैं। इन गुलामों का यानी इजरायली लोगों का मिस्र से बाहर निकलना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसमें कि बहुत सारे चमत्कार भी शामिल थे और बाइबल के कुछ बहुत ही अजीब चमत्कार इसी कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। जब ये इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकलते हैं तो मूसा वो इंसान है जो इन्हें लीड कर रहा है और मूसा ने इतने चमत्कार देखे जितने कि अब्राहम इजाक और याकूब ने मिलकर भी नहीं देखे होंगे। जब हम इस निर्गमन की किताब यानी एक्सोडस पढ़ते हैं तो एक के बाद एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है और जिससे यह जाहिर होता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उनके छुटकारे के लिए खुद इंटरसीड यानी काम कर रहे थे और खुदा ये सारे चमत्कार दिखाते हुए ये साबित कर रहे थे और जाहिर कर रहे थे कि उसकी बनाई हुई सृष्टि की हर एक चीज़ के ऊपर, समुंदर के ऊपर, पानियों के ऊपर, सृष्टि के हर एक रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर और हर एक चीज़ के ऊपर उनका अधिकार है और वही हैं इन्हें बनाने वाले और इन्हें संभालने वाले। निर्गमन की किताब की इस पूरी कहानी में हम नहीं जाएंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, पूरे इवेंट को, तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। हम जानते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे तो एक नया फिरौन आया जो कि यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ वो इंसान है जिसकी वजह से इजरायली लोग यानी यहूदी लोग इस बड़े मिस्र शहर में शिफ्ट हुए थे। तो ये नया फिरौन देखता है कि इसराइलियों की बढ़ती हुई बहुत जो आबादी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वह इसे एक ख़तरे के रूप में देखता है और चाहता है कि इसराइल की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोके और इसे रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वह एक आज्ञा देता है कि जितने भी लड़के होंगे इसराइलियों के घर में, जितने भी बॉयज़ पैदा होंगे, वह उन सबको ख़त्म कर दें, कि उन सबको, जितने भी लड़के पैदा होंगे, मार देंगे। लेकिन खुदा मूसा को इस खूंखार आतंक से बचाते हैं और खुदा के इंतज़ाम से मूसा इसी फिरौन के महल में आकर रहने लगता है और सारी शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा और अस्त्रों की शिक्षा को हासिल करता है और इजरायली लोगों के लिए मूसा उनके इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा इंसान था अब्राहम के बाद। तो जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा की ये बादशाहत वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जब वह देखता है कि एक मिस्री और एक इजरायली आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों में से वह एक मिस्री को मार देता है और फिर वह यानी मूसा बचने के लिए वहाँ से, मिस्र से भाग जाता है अपनी जान को बचाने के लिए। तो पवित्र बाइबल में मूसा की कहानी सच में पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 40 साल की उम्र में 40 सालों तक मूसा भेड़ों और बकरियों को चराता है, वह उजाड़ में रहता है, विल्डरनेस में रहता है और फिर वह वहाँ से लौट कर आता है 80 साल की उम्र में वापस मिस्र देश में, जब वह परमेश्वर का काम शुरू करता है जो परमेश्वर उसे देते हैं। तो मूसा क्यों वापस मिस्र में आया था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा था। परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की थी जलती हुई झाड़ी में और उसे कहा था कि तू वापस उसी देश में यानी मिस्र में जाएगा और वहाँ से जो मेरे लोग हैं यानी इजरायली लोग हैं उनको छुड़ाकर लेकर आएगा। तो हम पूरी कहानी को जानते हैं कि मूसा जाते हैं और खुदा बहुत ही चमत्कारी तरीके से इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकालते हैं और वह कनान देश की तरफ बढ़ते हैं, अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। और हम पवित्र बाइबल से जानते हैं कि जितने भी लोग मिस्र देश से निकलकर आए थे उनमें से कोई भी वादा की हुई धरती तक नहीं पहुँच पाया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और मूर्ति पूजा तक भी की, परमेश्वर को ठुकराया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे यानी जो अगली जनरेशन है वह कनान देश में जाएगी, इस वादा की हुई धरती में जाएगी, बाकी सारे लोग इसी धरती के ऊपर रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 लोग जो कि मिस्र से निकल कर आए थे वह कनान देश में जा पाए थे और वह 2 लोग थे, यहोशुआ और कालेब।
आप कहेंगे कि क्या मूसा भी रास्ते में ही रह गया? मूसा क्यों नहीं जा पाया कनान देश में, उस वादा की हुई धरती में? हाँ, तो मूसा भी रास्ते में ही रह गया था। मूसा को भी कनान देश में वादा की हुई धरती में जाने का प्रिविलेज नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? हम वचन से ही जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने खुद बताया कि क्यों मूसा भी कनान देश में नहीं जा पाएगा। हम वचन से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 48 से लेकर 52 तक, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 48 to 52, लिखा है, फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। कनान देश को देख ले, परमेश्वर मूसा से कह रहा है। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने नहीं पाएगा। तो उस देश को देख तो लेगा लेकिन वहां पर एंटर नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि तू सिर्फ कनान को देख पाएगा, तो परमेश्वर ने मूसा को कनान देश देखने के लिए दिया और मूसा ने नबो पहाड़ के ऊपर चढ़कर, चोटी के ऊपर चढ़कर कनान देश को दूर से देखा। तो गिनती अध्याय 20 वचन 1 से 12 तक में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, पहले महीने में सारी इसराइली मंडली के लोग सीन नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मिर्याम मर गई, मिर्याम जो कि मूसा की और हारून की बहन थी, और वहीं उसको मिट्टी दी गई। अब गिनती अध्याय 20 में हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम वो चीज़ देखेंगे कि किसकी वजह से मूसा मिस्र देश में नहीं जा पाया था। वो इवेंट हमें देखने वाले हैं गिनती अध्याय 20 में। आगे लिखा है, वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वह मूसा और हारून के साथ विवाद के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों लेकर आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। अब ये इसराइली लोग मूसा के साथ झगड़ रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, चट्टान को कह बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा क्या दी है कि चट्टान के पास जा, उससे बातें कर, मतलब कि उससे बस कह दे। फिर आगे यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा यानी इसराइली लोगों को कि हे बलवा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी, लाठी चट्टान पर दो बार मारी। आज्ञा की थी, आज्ञा क्या थी परमेश्वर की, कि उस चट्टान के साथ बातें करना, से बस कहना। तो चट्टान को दो बार लाठी मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने इन्हें दिया है।
तो जब मूसा ने उस चट्टान के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर लाठी को मारा तो पानी तो जरूर निकल आया इसराइलियों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में, यानी वादा किए हुए देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तो कुछ लोगों को शायद ये सज़ा जो परमेश्वर ने दी मूसा को बहुत ही सीवियर लगे, बहुत ही सख्त लगे, लेकिन जब हम इसे गहराई में देखते हैं तो हम मूसा ने जो किया है उसे समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी गलती थी। आगे हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मूसा ने कुछ गलतियाँ कर दी। सबसे पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस चट्टान को कहना कि तुम्हें पानी दे, लेकिन इसकी बजाय मूसा ने दो बार चट्टान को हिट किया, उसे मारा, और ये परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करना था, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना था। इस इंसिडेंट से पहले जब परमेश्वर ने एक चट्टान से इसराइलियों के लिए पानी मुहैया किया था, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि चट्टान को मारना, लेकिन इस बार परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस मूसा के लिए अलग थे, पहले वाले नहीं थे। मूसा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत थी और उसके प्रति वफादार रहने की ज़रूरत थी कि बस वही काम करे जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा है, और अगर उससे उसने कुछ करने को कहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई तो बात परमेश्वर के दिमाग में होगी कि परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था, और वो हम आगे देखने वाले हैं। और मूसा को परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा होना चाहिए था। और फिर दूसरी बात, इस चमत्कार के लिए मूसा अपने आप को क्रेडिट दे रहा है। मूसा कहता है कि हे बलवा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और इस चीज को परमेश्वर बिना सजा दिए हुए जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि इसराइलियों के सामने परमेश्वर की जो महिमा है उसे दबा दिया गया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा गया, उसकी महिमा को चुराकर खुद ले लिया, ये परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ था। और जब हम पढ़ते हैं आगे नए नियम में बहुत सी बातें अब हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी कि ये इतना बड़ा गुनाह क्यों था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 में यहाँ पर लिखा है, संत पौलुस लिखते हैं, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीही था, वह चट्टान प्रभु यीशु मसीही था। तो ये चट्टान जिससे पानी बाहर आया था, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती थी। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसके वचन 4 में पढ़ते हैं तो एक बार पहले ही चट्टान को मूसा के द्वारा मारा गया था, ताकि लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करे, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन यानी एक्सोडस चैप्टर 17:6 में, निर्गमन 17:6 में। देख, परमेश्वर कहते हैं मूसा से, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि इस चट्टान को मारना, निर्गमन 17 में, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। तब मूसा ने इसराइलियों के विद लोगों के देखते वैसा ही किया। तो चट्टान को पानी के इंतजाम के लिए ऑलरेडी एक बार मारा गया था, जैसे कि वचन हमसे कहता है कि प्रभु यीशु एक ही बार हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हमारे सालवेशन के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। इब्रानियों अध्याय 7:27 में हम पढ़ते हैं कि उन महायाजकों के समान उसे यानी प्रभु यीशु को अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया, एक ही बार। मूसा का उस चट्टान को बोलना जब दूसरी बार पानी का इंतजाम हुआ था, मूसा का उस चट्टान को बोलना प्रार्थना को दर्शाता है, प्रार्थना को, जो कि आज हम विश्वासी लोग करते हैं।
प्रभु यीशु को एक ही बार मारा गया और वह आज भी उसके पास आने वालों को लगातार जिंदगी का पानी देता है जो विश्वास करके प्रार्थना में उससे मांगते हैं। और जब मूसा ने गुस्से में आकर क्रोध में आकर उस चट्टान को दो बार हिट किया, दो बार मारा, तो उसने बाइबल की समानता को यानी टाइपोलॉजी को खत्म कर दिया, इसका विनाश कर दिया। और ये करते हुए उसने प्रभु यीशु को दोबारा कुर्बान किया, दोबारा मारा, सलीब पर चढ़ाया। जब पहली बार निर्गमन अध्याय 17 में परमेश्वर ने मूसा को चट्टान को मारने के लिए कहा था, तो यहां पर प्रभु यीशु की तस्वीर को दिखाया गया था कि वह हमारे रिडीमर बनेंगे, वह हमें जिंदगी का पानी देंगे यानी सालवेशन देंगे। पवित्र बाइबल में पुराने नियम में भी बार बार इस बात का जिक्र आया है कि खुदा परमेश्वर हमारी चट्टान है जो कि हमें ज़िंदगी का पानी देता है। और ये ज़िंदगी का पानी दर्शाता है हमारी सालवेशन को, कि हमें सालवेशन वो देता है, वो चट्टान देती है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है हिब्रियस में कि प्रभु यीशु मसीह आवर रॉक, हमारी चट्टान, एक ही बार मारा गया ताकि हमारे लिए सालवेशन का इंतज़ाम करे, हमारे लिए सालवेशन का, अनंत जिंदगी का, कभी ना ख़त्म होने वाले पानी का इंतज़ाम करे। तो पहली बार निर्गमन 17 में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि चट्टान को एक बार मारना, लेकिन दूसरी बार गिनती 20 में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि बस चट्टान को बोलना, उससे उस चट्टान को कहना। तो उसने चट्टान को बोला नहीं, वरन दोबारा से मारा। और अगर परमेश्वर ने मूसा की इस गलती की सजा ना दी होती तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर इस्टेब्लिश हो जाती कि सालवेशन के लिए या अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बार बार प्रभु यीशु को कुर्बान किया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि परमेश्वर एक टाइपोलॉजी को, एक समानता को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, एक टाइपोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन मूसा के द्वारा उस चट्टान को दो बार मार के इस टाइपोलॉजी को, इस समानता को, इस तस्वीर को ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस पूरी स्टोरी में एक्सोडस से लेकर ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण तक और इस सारी घटनाओं में जो घटी, जिसके बारे में हमने अभी देखा, परमेश्वर सुसमाचार को भी इस्टेब्लिश कर रहे थे। परमेश्वर ने जब मूसा को कनान देश में जाने की अनुमति नहीं दी, परमेश्वर ने जब मूसा को रोक दिया, तो ये सब कुछ करते हुए परमेश्वर ये भी जाहिर कर रहे थे कि कनान देश में यानी अनंत जिंदगी में, नए यरूशलम में, आप कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने बल के ऊपर नहीं, वरन सिर्फ प्रभु यीशु के थ्रू ही जा सकते हैं। तो इस स्टोरी में लोगों को कनान में लेकर कौन गया था? मूसा नहीं, मूसा रह गया, यहोशुआ और यीशुआ सेम नेम्स हैं, दोनों के नाम का मतलब भी एक ही है। तो जैसे यहोशुआ लोगों को वादा की हुई धरती में लेकर गया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशुआ भी हमें नई यरूशलम में, नई धरती में लेकर जा सकते हैं। मतलब कि हम सिर्फ प्रभु यीशु के थ्रू ही नई जिंदगी को, नई यरूशलम में और नई वादा की हुई धरती में जा सकेंगे। तो मूसा का परमेश्वर के वचन को तोड़ना, घमंड दिखाना, परमेश्वर की महिमा को छीनकर अपनी बनाना, अपनी महिमा करवाना, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन की तस्वीर को डिस्ट्रॉय करना, मूसा का वादा की हुई धरती में ना जाने का कारण बना। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि मूसा ने कोई कंप्लेन नहीं की या परमेश्वर के साथ गुस्सा नहीं हो गया। उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैंने तो इतना कुछ किया है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, ये सब कुछ कुछ नहीं उसने कहा। मैं परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, वरन मैं फिर भी खुदा के साथ वफादार बना रहा। परमेश्वर के लोगों को उसने लीड किया जब तक उसकी सांसें चल रही थी। तो जब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34:4 से लेकर 6 तक में, यहाँ पर यूं लिखा है, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 34:4-6, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है।
परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, मोआब देश में। और यहोवा ने, सुनिए, यहोवा ने उसे मोआब के देश में बैतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो भले ही मूसा को कनान देश में जाने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन वह अपने मौत के अंतिम समय तक भी खुदा के प्रति वफादार था। और फिर एक बहुत ही अद्भुत चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और वह यह है कि मूसा को दफनाने वाला कोई और नहीं था, किसी इंसान ने उसे नहीं दफनाया, वरन परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। उससे वचन में लिखा है कि मिट्टी दी। और ये थी मूसा की कहानी की एंडिंग। लेकिन उसके बाद, सुनिए, इसके बाद मूसा को दफनाए जाने के बाद कुछ बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही ड्रामेटिक। और चलिए अब हम वो देखते हैं। मोसेस का अंतिम दफन उसके भाई बहनों या किसी इसराइलियों ने नहीं किया, वरन ये परमेश्वर ने खुद किया था। और वचन में जैसे लिखा है कि आज के दिन तक कोई भी नहीं जानता है कि उसकी कब्र कहां पर है, उसे कहां पर दफनाया गया था। लेकिन हम ये चीज जरूर देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर के साथ था। हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं नए नियम से, जब हम पढ़ते हैं मूसा और एलिया के बारे में कि वो प्रभु यीशु से मिलने को आते हैं, जिसे ये क्लियर हो जाता है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, खुदा के घर में था। लेकिन उसकी बॉडी को क्या हुआ? उसकी ग्रेव कहां पर है? उसकी कब्र कहां पर है? अब यही चीज है जो वचन कहता है कि किसी को भी नहीं पता। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी को नहीं पता? जब परमेश्वर ने उसे खुद दफनाया, उसका अंतिम संस्कार किया, तो वहां पर कोई ग्रेव नहीं बनी, कोई कब्र नहीं बनी, और ना ही कोई कब्र के ऊपर मारकर छोड़ा गया। और यह इसलिए हुआ था ताकि इजरायली लोग मूर्ति पूजा करना शुरू ना कर दें, बिकॉज ये उनका नेचर था मूर्ति पूजा करना। और इसी कारण परमेश्वर ने मूसा के शव को, मूसा के बदन को किसी के सामने आने नहीं दिया, और ना ही इसकी कब्र का कोई निशान छोड़ा, और ना ही किसी को आज तक पता है कि मूसा को कहां पर दफनाया गया था। मूसा के शव को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर एक और रहस्य है, एक और मिस्ट्री है, जो कि हमें पढ़ने को मिलती है पवित्र बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, यहूदा चैप्टर 1 में, और वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत है जो कि माइकल एंजल है, वह शैतान के साथ वाद विवाद करता है मूसा के शव के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में। चलिए वचन से हम पढ़ते हैं यहूदा 1:9 में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। बाइबल के विद्वान इस बात को लेकर क्लियर नहीं है, कोई भी नहीं जानता है कि ये डिबेट, ये वाद विवाद कब हुआ था। तो ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये हुआ था जब मूसा को दफनाया गया था। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि शैतान मूसा के शव को, मूसा के शरीर को क्यों चाहता था? वेल, शैतान का मूसा के शव को लेने का मकसद एक ही था कि वह मूसा को लोगों के सामने लेकर जाए और लोगों से इसकी, यानी इस इंसान की, मूसा वाज़ ए ह्यूमन बीइंग, ही वाज़ नॉट अ गॉड, यस ही वाज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, बट ही वाज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो शैतान चाहता था कि मूसा की आराधना करवाए, वर्शिप करवाए, कि आपका इतना बड़ा नबी जिसने आपको व्यवस्था दी, जिसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें की, जो आपको इतने बड़े देश से आज़ाद करवा कर लेकर आया है, उसके लिए मूरत बनाओ, इसे सजदा करो। तो यही काम शैतान चाहता था मूसा के शव के साथ करना। लेकिन मूसा के शव के दूसरी तरफ खड़ा था, जैसे वचन में हमने पढ़ा है, स्वर्गदूत मिकाएल, जिसने कि शैतान को ये काम करने नहीं दिया और खुद मूसा के शव का इंतजाम किया, मतलब कि वह परमेश्वर की तरफ से था। मूसा की मौत और शव को लेकर, चाहे ये बहुत सारे रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सच्चाइयां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और वह ये हैं, सबसे पहले, परमेश्वर के वचन सत्य हैं, परमेश्वर के वचन हक हैं, सच्चाई हैं, और उसकी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, होती हैं और होंगी।
दूसरी बात, पाप परमेश्वर के डिसिप्लिन को लेकर आता है। पाप के साथ परमेश्वर कितना सीरियसली डील करते हैं, फिर चाहे पाप करने वाला कोई भी क्यों ना हो। तीसरी बात, परमेश्वर सारी मिस्ट्रीज को, सारी बातों को, सारे रहस्य भरी बातों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। भजन संहिता 116:15। सो आई होप यू आर ब्लेस्ड थ्रू दिस मैसेज, आपने आशीष को पाया है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक ना रखिए, और भी भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चर्च मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बिब्लिकल स्पिरिचुअल मोटिवेशनल मैसेजेस को देखने के लिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।